साथियों, कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों ने अपने 10 साल के राज में हर बड़े फैसले को टाला और जो फैसले लिए भी वो इस तरह लिए कि देश को नुकसान उठाना पड़ गया। जमीन से लेकर आसमान तक इन लोगों ने इतने घोटाले किए कि ऐसा कोई दिन नहीं था जब अखबारों में इनके कारनामों की खबर न छपती हो। आज भी नामदार और उनके रिश्तेदार जमानत पर है। और ये जो उनको गुस्सा है ना, गुस्से का कारण भी यही है कि चाय वाला होता कौन है जो हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा रहा है, हमें जमानत मांगनी पड़ रही है। इसलिए उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ है। और भाइयों बहनों, बेशर्मी तो ये है कि जो खुद जमानत पर है वो आपके इस चौकीदार को, आपके इस सेवक को अपनी डिक्शनरी से हर रोज नई नई गालियां खोज खोज करके छोड़ रहे हैं मुझ पर। भाई और बहनों, इनकी गालियों से ये चौकीदार डिगने वाला नहीं है। आगे हमने भी तो सोलन का मशरूम खाया है। ये नामदार खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी की छवि को बिगाड़ना यही इनका मिशन है। उनका मिशन मोदी की छवि बिगाड़ना होगा। मोदी का मिशन भारत की छवि को पूरी दुनिया में ऊंचा उठाना है। नामदार कहते हैं कि मोदी को हराना इनका मिशन है, लेकिन मोदी का मिशन भारत को जिताने का है।